दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, जहां पर आप लोग जानते हैं कि इस समय लगातार लक्ष्मी को टारगेट करने का किसी भी तरीका से कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है इस समय मलिष्का और साथ में नीलम, और साथ में आप लोग जानते हैं कि ऋषि की बुआ लगातार टारगेट पर टारगेट करने की हर कोशिश कर रही है ताकि लक्ष्मी को यहाँ से निकाला जा सके। क्योंकि दोस्तों इस समय लक्ष्मी से अनाप शनाप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लक्ष्मी से पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी बताओ कि आखिरकार किसकी कैसे कितनी गलती है और कैसे गलती है। आप लोग जानते हैं इस समय लगातार एक से बढ़कर एक एक नए नए ट्विस्ट भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस समय किसी भी तरीका से लक्ष्मी इन लोगों को बताने वाली नहीं है अपने और ऋषि के बारे में, क्योंकि ये लोग लगातार एक से बढ़कर नई नई चीज़ कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए इस समय कहानी की, तो कहानी में वाकई में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। बात की जाए इस समय सालू और आयुष की, तो दोनों के दोनों इस समय कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से आखिरकार इस इंसान को एक्सपोज कर लें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विक्रांत का जो एक्सपोज होना बिल्कुल तय है, क्योंकि विक्रांत ने जो किया है उसका होना वाकई में एक तरीका से बोला जाए तो लाजमी है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक बार फिर से नया ट्विस्ट, नया जोरदार तमाशा देखते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि अभी तक सभी लोगों को पता हो रहा था कि लक्ष्मी कुछ कर रही है। लेकिन अब जो लक्ष्मी करने जा रही है दोस्तों, वो और भी ज़्यादा घना दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को शायद पता नहीं है कि क्या से क्या हो सकता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से कहानी में एक और नया ट्विस्ट भी आता हुआ नज़र आने वाला है। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोगों का मानना ये है कि लक्ष्मी और ऋषि अलग अलग एक दूसरे से किस लिए हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। इस थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया है।